एक मछुआरा नदी में जाल डाला, एक मछली मिली तो मछुआरा सोचा कि अगर इसको हटिया में बेचेंगे ना बाजार में तो कम पैसा मिलेगा, बादशाह को दे देंगे, इनाम देगा। तो बादशाह के दरबार में मछली लेके पहुंचा, बादशाह को बोला कि हुजूर ये जाल डाले थी ये मछली मैंने आपके लिए पकड़ी है, इसको ले लीजिए। तो बादशाह खुश हो गया, वजीर को बोला कि 200 दिरहम इसको इनाम में दे दो, 200 दिरहम इसको इनाम में दे दो। कितना इनाम दे दो बोलो भाई, कितना दे दो? तो उसकी बीवी ना, वो जो बखील थी उसकी बीवी कंजूस थी, बोले तो दिमाग खराब भाग लो, ये छोटो मछली 300 टका मिली थी, मछली नहीं लेना चाहते, पैसा रिटर्न करो, मछली धोक वापस। तो बादशाह बोला कि अल्लाह की बंदी, हम बादशाह हैं, दी हुई चीज वापस नहीं लेते हैं, ये तो मेरे शान के खिलाफ है। तो उसकी बीवी बोली कि सुनो, पैसा वापस करे एक तरीका छे, वो मछुआरा से कहो कि ये मछली जो छी ये मर अच्छी कि और अच्छी, अगर वो बोलती और अच्छी तेते कहिए और मछली नहीं चाहिए हमारा, मरद मछली चाहिए। अगर वो बोले कि नहीं मरद है तो आप कहिएगा हमको मरद नहीं औरत मछली चाहिए, बस हम पैसा तेरे रिटर्न करता कि वो मछला के रही। तो कभी कभी आदमी बीवी के हाथों मजबूर हो जाता है, होता कि नहीं होता है? अरे बोलो नहीं हो, मुड़ी मत हिलावा सुने युवराज जी, कल नस्तो बन कर। बादशाह मछुआरे को बोला है, बोला इधर आओ, ये बताओ ये मछली नर है कि मादा है? नर है के? अरे बोलो भाई, नर है के? मादा है। तो मछुआरा भी बड़ा चालाक था, मछुआरा बोला हुजूर ये मछली ना नर है ना मादा है, बीज वाली मछली। बोला बहुत अच्छा, 200 दिरहम और इनाम दे दो, 200 दिरहम। अब उसकी बीवी तो और जल भुन गई, क्या मैं 200 टका रिटर्न चक्कर में चला, पूरा 400 दर लगी। ये मछुआरा जब जाने लगा तो मैं दरबार में देखो सिक्का गिरा हुआ था, 1 टका का सिक्का गिरा हुआ था, सिक्का गिरा हुआ था। तो ये मछुआरा उठाया सिक्का को चुमा, चुम के पॉकेट में रख लिया। तो इसकी बीवी बोली कि देखा वो चोर भी है, आप इतना इनाम दिए उसको सबर नहीं है, पैसा चोरी करके लेके जा रहा, बस उसको बुलाइए सब पैसा छीनिए जेल में डालिए। तो बादशाह बोला बहुत अच्छा, इधर मछुआरा से पूछा कि ये बताओ तुमने चोरी कहे की? बोला हुजूर हम चोरी नहीं किए हैं, ये सिक्का है ना इसमें आपकी तस्वीर है, आपका फोटो है, रास्ते में गिरा हुआ रहता कोई पैर दे देता तो बेअदबी ना होता, इसलिए हम उस उठा करके चूम लिए पॉकेट रख लिए। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 दिरहम और इनाम दे दो। परवान जाओ, जो सखी है ना वो जब तक सखावत नहीं करेगा उसे चैन नहीं मिलेगा। एक आपका ये जोंकी इलाके में रानी बस्ती है हरवा चौक के बगल में, वहां एक बाबू है सऊद बाबू, ईंटा भट्टा वाला, और मेरा बड़ा मद्दा है वो अल्हम्दुलिल्लाह। अब यूं समझ लिया कि मैं अक्सर बेशतर उस रास्ते जब भी गुजरता हूं तो उनका फोन आता है कि हजरत आप जब भी आए तो कम से कम मेरे भट्टे में दुआ कर दें अल्हम्दुलिल्लाह। तो बड़ा सखी है, अब यकीन नहीं करेंगे कि उस इलाके में जहां भी जलसा होता है वो बाज़ाब्ता अपने पहुंचता और अपने पहुंच कर 50,000 से नीचे चंदा नहीं देता, नगद उधार नहीं। तो मैंने एक जलसे में कहा था सऊद बाबू अल्लाह आपको बहुत देगा, तो एक जुमला बोला था कि हजरत अल्लाह देता नहीं है तो हम खर्च कैसे करें, अल्लाह ही देता है जब ही हम खर्च करते हैं। और वो एक जुमला और बोला कि हजरत जानते हैं जिस दिन हम अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते उस दिन हमको अच्छा नहीं लगता। आज 3 भट्टे का मालिक है, 2 पेट्रोल पंप है, और कुर्बान जाओ अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें दौलत दिया तुम मेरे रास्ते में खर्च करो, तुम खर्च करते रहोगे हम तुम्हें देते रहेंगे, अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्चा करने में फायदा है कि रोकने में फायदा, बोलो भाई? एक बात याद रखिएगा, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है ना उसको अल्लाह डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजता है बोलो? अरे बोलो भाई, डॉक्टर के यहाँ, और डॉक्टर उपरा अल्लाह भेज दी, बोले जा झमेले खत्म कर दी। मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है, जन्नत में महल कौन कौन बनाइएगा, हाथ उठाइए मैं दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वाह वाह, मन बना लिल्लाह मस्जिदन बनल्लाह लहू बैतन फिल जन्ना, सही बुखारी शरीफ की हदीस है। हजरत उस्मानी गनी रावी है, वो उस्मान जो दामाद मुस्तफ़ा है, वो उस्मान जिसको जुन्नूरेन का खिताब मिला, वो उस्मान जो बहुत बड़े सखी थे, वो उस्मान जो खलीफा सोम है, वो उस्मान जिसको अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया ए लोगो जन्नती जिसको देखना हो वो मेरे उस्मान को देख ले।
जन्नती जिसको देखना वो उस्मान को देख ले। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जन्नत में महल बनानो ये दुनिया का ठिकाना नहीं है, जिंदगी का भरोसा नहीं है। आज खेत का मालिक अल्लाह बनाया है, सोने चांदी का मालिक अल्लाह बनाया है, जिंदगी का क्या भरोसा। कल को मौत हो जाए, पता नहीं बेटा याद करेगा कि नहीं करेगा, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे। कुछ अमल ऐसा करके मर जाओ कि अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहे। कुछ ऐसा काम करो, बाप का दो बेटा, बाप मर गया, रिश्तेदार लोग आए, नहला धोला कर कफन पहनाया, जनाजा की नमाज पढ़ के दफन कर दिया। दो भाई रात में बैठा, बड़ा भाई बोला रे बुधवा हिस्सा करे, तो छोटा भाई बोला कि ए भैया बाबा तो मरवे कर ली, कुछ दिन रुक जा। बोला हमें रुकवो ने बाबा के लिए, वो समझते रहती हिस्सा करे। तो मामा लोग बोले कि आजा तू रासने, आप सौ में झगड़ा मत करे, हम रासने हिस्सा करी दी। बोला करी दग मामू तह हिस्सा करी दग। तो मामा बोला कि बेटा 3 बीघा तोर बाप जमीन छोड़ी मरलूस की करवे। छोटका से पूछा की करवे रे, तो छोटका बोली कि भैया जानती। तो भैया बोली कि ठीक है जी, वो 3 बीघा जमीन हम रखी लो। तब मामा बोला कि 2 गो गाय छोड़ के तुम्हारा बाप मरा है, क्या करोगे। तो छोटका पूछल के, छोटका बोली भैया जानती। तो भैया बोली ठीक है जी, वो 2 गाय हम मैं रखी लो। फिर मामा बोला कि एकटा जोंकी में तोर बाप दुकान छोड़ी मरलूस की करबे। तो छोटका पूछा, छोटका बोली भैया जानती। तो भैया बोली ठीक है जी, दुकानों हम रखी लो। तब मामा बोला कि 25,000 तोर बापा के ऊपर हम कर्जा छू की करबे। तो छोटका से पूछा, छोटका बोली भैया जानती। भैया गरम वाली सब कुछ हमें जानबो, ते कुछ नहीं जानबे। अरे जमीन हम जाने, गाय हम जाने, दुकान हम जाने, कम से कम बाबा छोटो बेटा तेजा बाबा कर जाते जाने। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। मिट्टी डालेंगे फिर मुट्ठी मुट्ठी, ये भी हिस्सा उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़ कर सब को जाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। तो मेरे भाइयों, आज अल्लाह ने मौका दिया है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों तुम कहते हो ये माल मेरा, ये माल मेरा, ये माल मेरा है, तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा माल वही अपना है जो रहती जिंदगी अपने हाथों से अल्लाह के बैंक में जमा कर दोगे, वो तुम्हारा अपना है। बाकी जो यहाँ बचा है वो तुम्हारी औलादों का है, तुम्हारे हुकूकदारों का है, तुम्हारे हिस्सेदारों का है, तुम्हारी बीवी का है, तुम्हारे भाई का है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा। अब अल्लाह का घर बना दो। और एक बात याद रखिए, एक नुक्ता सुन लो मेरे भाई, सुन लो भाई, भाई इधर भाई, ए बाबू एक मिनट, एक नुक्ता सुन लो। आप मान के चंदा दिए, ये मस्जिद कौन बनाएगा, मजदूर मिस्त्री बनाएगा। अरे बोलिए भाई, मजदूर मिस्त्री बनाएगा ना। लेकिन आपका घर जन्नत में कौन बनाएगा, अल्लाह किससे बनवाएगा, फरिश्ते से नहीं। अल्लाह फरिश्तों से बनवाएगा नहीं, मलाइका बनाएगा नहीं, हुरो गिल्मा बनाएंगे नहीं। मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बादा, मेरे फरिश्तों हट जाओ, मलाइका हट जाओ, हुरो गिल्मा हट जाओ, मेरा बंदा दुनिया में मेरा घर बनाया है, मस्जिद बनाया है, हम जन्नत में अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाएंगे। अल्लाह जिस घर को बनाए वो घर कितना खूबसूरत होगा। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, इसलिए मुसलमानों, करहरा के गयूर मुसलमानों, मुझे इस मजमे में 5 आदमी चाहिए इंशाल्लाह, मुझे 5 आदमी चाहिए। आमी ओनार जुन ने दस्ते दुआ करो, अल्लाह कुरान कोचे, वकाल रब्बुकुम उद्उनी अस्तजिब लकुम,
अमार अल्लाह कोछे क्यों कुर्बान जाओ, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा, मेरा बंदा तुम मुझसे मांगो मैं तेरी झोलियों को रहमतों से बरकतों से भर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 5 आदमी चाहिए, हम ज्यादा नहीं मांग रहे हैं, आप ज्यादा दे सकते हैं, 50,000 1,00,000 भी दे सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपया है, मुझे 5 आदमी चाहिए। है कोई ऐसा पहला सखी अपने माँ बाप के नाम पर 25,000 रुपये इस मस्जिद के अंदर में चंदा देने वाला, इस मस्जिद को अपने दौलत से बनाने वाला, अपने पैसे से अल्लाह का घर बनाने वाला, है कोई मुसलमान, है कोई नौजवान 25,000 रुपये देने वाला पहला सखी इंशाल्लाह अमी ऑन अर्जुन ने दस्ते दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई सखी, है कोई मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मिंबर हो, वकील हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, पहले नंबर पे उसका नाम आ जाए इंशाल्लाह मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है जो 25,000 रुपये देने वाला पहला शख्स तैयार हो जाए कि हजरत मैं अपने माँ बाप के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह 25,000 रुपये इस मस्जिद के अंदर मैं दान देने के लिए तैयार हूँ, ताउन करने के लिए तैयार हूँ इंशाल्लाह अमी ओन अर्जुन ने दस्त दुआ को रे दे अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई प्रथम जन, है कोई पहला नौजवान इंशाल्लाह मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है जो 25,000 रुपये इंशाल्लाह देने को तैयार है, अपने माँ बाप के नाम पर मस्जिद बनाने को तैयार है इंशाल्लाह। है कोई नौजवान, है पहला कोई नौजवान, इतना बड़ा मजमा है इंशाल्लाह, ये करहरा बस्ती की सरजमीन है, एक से एक पैसा वाला यहाँ पर है, एक से एक ज़मींदार यहाँ पर है, एक से एक अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सखी लोग यहाँ पर है, दानी लोग यहाँ पर है। है कोई मेरा भाई, है कोई मेरा भाई मास्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, है कोई मेरा नौजवान 25,000 रुपये देने वाला पहला सखी अपनी मस्जिद में अपने पैसे से मस्जिद को बनाने वाला, मस्जिद को दान करने वाला, मस्जिद के तामीरी कामों में हिस्सा लेने वाला। ए बाबू, ए बाबू बैठो, कोई उठने बैठने का लगन है ही लग लो, पोजीशन ठीक नहीं बचा लिया। अच्छा बैठो, थोड़ी देर बर्दाश्त कर लो बेटा, थोड़ी देर भाई। पहला कोई नौजवान मेरा भाई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान, है 25,000 रुपये देने वाला एक आदमी कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है, वो कौन खुशनसीब मुसलमान है, वो कौन खुशनसीब माँ का बेटा है, वो कौन खुशनसीब अल्लाह का चहीदा बंदा है, अल्लाह का बरगजीदा बंदा है, अल्लाह का प्यारा बंदा है, मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है। मुझे एक आदमी चाहिए भाई, 25,000 वाला एक आदमी चाहिए इंशाल्लाह, मुझे अल्लाह के ज़ात की उम्मीद है। देखिए मैंने सवाल 25,000 से किया है, आप 30,000 भी दे सकते हैं, 50,000 भी दे सकते हैं, 1,00,000 भी दे सकते हैं, अल्लाह जितनी इस्तेआत ताकत आपको दिया है उसके हैसियत के मुताबिक इंशाल्लाह आप ताउन कर सकते हैं। पहला कोई नौजवान तैयार हो जाओ इंशाल्लाह आमी ओन अर्जुन ने दस्त दुआ को रे दे अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई सखी, है पहला कोई नौजवान 25,000 रुपये वाला इंशाल्लाह पहला कोई सखी, भाई इतनी देर नहीं लगती अल्हम्दुलिल्लाह, इतना टाइम नहीं लगता, ये कढ़ारा की सरजमीन है, बड़े बड़े ज़मींदार, बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े दिल वाले इस मजलिस के अंदर में बैठे हुए हैं। मेरे भाई एक बात याद रखना, कभी अल्लाह दे के आजमाता है, कभी अल्लाह ले के आजमाता है। एक बात याद रखना, जिस अल्लाह ने दौलत दिया है, जिस अल्लाह ने माल वाला बनाया, जिस अल्लाह ने खेत का मालिक बनाया है, उसी अल्लाह का घर है। अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर बना देगा। अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है इंशाल्लाह। प्रथम जो पहला आदमी इंशाल्लाह 25,000 वाला एक आदमी तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान, है एक आदमी कोई 25,000 वाला कोई नहीं है इंशाल्लाह इस मजमे के अंदर में, एक आदमी 25,000 देने वाला है कोई सखी है इंशाल्लाह। एक जन तैयार हो जाए इंशाल्लाह, हमें देखते चाहिए क्या अच्छे इंशाल्लाह। अपनार मार जन ने, अपनार बाबार जन ने अल्हम्दुलिल्लाह, अपनार छेलेर जन ने, अपनार मायर जन ने देते पारे ना अल्हम्दुलिल्लाह, हमें अपनार जन ने दस्ते दुआ करे देव अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई सखी, है अच्छा माँ बहनों के पिंडाल में छोटे छोटे बच्चे चले जाए, मेरी माँ बहनों सोने का जेवर, चांदी का जेवर, गले का चैन, नाक का नथिया, कान का झुमका, हाथ का कंगन, पाँव का पाजेब, मेरी माँ बहनों ये दुनिया बड़ी जालिम है, मौत आएगी घर वाला खोल लेगा, आज मौका है, अपने जेवर जेवरात से अल्लाह का घर बना दो, अपने जेवर जेवरात से अल्लाह का घर तामीर करा दो इंशाल्लाह। अल्लाह यहाँ भी जेवर पहनाएगा, जन्नत में हीरे जहरात के जेवरों से अल्लाह तुम्हें आरास्ता कर देगा। मेरी माँ बहनों
जेवर जेवरात वहां से भेजो, अपना नाम लेकर भेजना, इंशाल्लाह हम तुम्हारे लिए दुआ कर देंगे। तेरे बच्चों के लिए दुआ हो जाएगी, तेरे शोहर के लिए दुआ हो जाएगी। अल्लाह तेरे माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा देगा। कोई मेरी माँ बहन इंशाल्लाह हिम्मत हौसले के साथ, जज्बे के साथ, अखलास के साथ, खलूस के साथ, मोहब्बत के साथ अपने जेवर जेवरात वहां से मेरी माँ बहनों भेजो। भाई 25,000 वाला है कोई नौजवान है नहीं है कोई? एक आदमी कोई करहरा की सरजमीन, इस वक्त पूरी दुनिया आपको देख रही है, ये लाइव टेलीकास्ट चल रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर में बिहार की सरजमीन पर सीमांचल के इलाके में करहरा बस्ती के अंदर में जलसा हो रहा। आलम सारे पर्दानशीन खवातीन हैं, उनकी जिम्मेदारी है, हमारी माँ बहनें जो भी अगर देना चाहते हैं वो आलम अंसारी की जिम्मेदारी है, वो आपके पंडाल में मौजूद हैं, उसके साथ अजीमुद्दीन है, उनके हवाले कर सकते हैं जो भी चंदा देना है। अरे भाई 25,000 वाला एक आदमी तो चाहिए इंशाल्लाह, मुझे अल्लाह की ज़ात की उम्मीद है कोई ना कोई तैयार होगा। है कोई 25,000 वाला है एक आदमी कोई? भाई इतना बड़ा मजमा है इंशाल्लाह, मैं देखना चाहता हूँ कोई खुशनसीब है इस मजमे के अंदर में। माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, बाप का लख्ते जिगर बेटा, इंशाल्लाह कोई एक नौजवान 25,000 टका दीते पारो इंशाल्लाह हमी अपना जुन्न दस्त दुआ कर दो अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान? है कोई नौजवान नहीं है? अच्छा इस सौदा को सस्ता करो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 10,000 वाले हैं कोई इंशाल्लाह? कम से कम 10 आदमी तैयार हो ये 10,000 वाला इंशाल्लाह। 10,000 वाला पहला सखी है जो अपने माँ बाप के नाम, ए देखिए पहला नौजवान तैयार हुआ माशाल्लाह। नाम की बच बाबू? नाजिम अनवर। भाई नारा लगा दो, भाई नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर, ए माशाल्लाह नाजिम अनवर साहब अल्हम्दुलिल्लाह प्रथम जन होलो, पहले फहरिस्त नाजिम अनवर साहब ने नाम लिखाया है। अल्लाह इस नौजवान की सखावत को कबूल करे नो, अल्लाह इन अरदान को कबूल करे नो, अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में, जिंदगी में, मानो मल में, कारोबार में, बिजनेस में, तिजारत में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह नाजिम साहब के माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। पहला हो गया, दूसरा मौलाना अबुल कलाम। माशाल्लाह नारे तकबीर, मास्टर अबुल कलाम साहब दामाद बरकात हूँ। दूसरे नंबर पे मुखिया शहनवाज साहब, माशाल्लाह 15,000 रुपए। दोनों हाथ उठा के नारा लगा दिए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हा भाई वाह, मुखिया शहनवाज साहब अल्हम्दुलिल्लाह रहनवाज, रहनवाज साहब माशाल्लाह। अल्लाह इन अरदान को कबूल करे नो, अल्लाह इन दोनों सखी की सखावत को कबूल करे नो, उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में, खेतों कल्याण में अल्लाह इज्जत व मकाम मरतबा मकाम अता फरमा दे, बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इन दोनों के माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कौतो जन हो लो हुजूर? 3 जन हो लो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे मुखिया साहब ने 15,000 रुपए दान किए हैं, अल्लाह इन अदा दान को कबूल करो। भाई 3 लोग हो गए, मुझे 10 आदमी चाहिए। चौथे नंबर पे कोई अल्लाह का शेर है? भाई चौथे नंबर पे 10,000 रुपए देने वाला कोई अल्लाह का शेर, चहिता बंदा, प्यारा बंदा, महबूब बंदा, बरगोजीदा बंदा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा है, चौथे नंबर पे 10,000 रुपए। ऐ मुसलमानों एक बात याद रखना, दौलत ना किसी के पास रह के आई है, ना दौलत किसी के पास रहेगी, कफन में जेब नहीं होता है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। आज पैसा है, मौका है, अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा। आज मौका है, अल्लाह के राह में ताउन कर दो, पैसे को जमा कर दो अल्लाह के बैंक में, अल्लाह पहाड़ बना कर तेरे हवाले कर देगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। 10,000 देने वाला चौथे नंबर पे इंशाल्लाह। तबरेज आलम माशाल्लाह, ये चौथा भी हो गया। तबरेज आलम, तबरेज आलम अबू नाम क्या है? तबरेज आलम 25,000, 25,000 तबरेज आलम इब्न मोहम्मद ताहिर हुसैन मरहूम। 25,000 कौन है इधर से? यहाँ आइए, यहाँ आइए, आने दो लड़का को, आने दो। जो जो दे रहे हैं यहाँ जाओ, माशाल्लाह इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ।
क्या नाम है? गुलाब मोहज़्ज़म। गुलाब मोहज़्ज़म। इसका घर कहाँ है? घर का नाम लिखिए, मोबाइल नंबर लीजिए। मुखिया जी का लड़का। मुखिया जी का लड़का, माशाल्लाह। बच्चा से बात हो जाएगी। ये बच्चा हिम्मत जज्बे के साथ, हौसले के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाया। अल्लाह इन अरदान टे कबूल करो ना। 25,000 रुपये बनवा दो, माशाल्लाह। 25,000 रुपये दे दिए। अरे माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, नकद है, नकद दे दिए। नकद नहीं है, नकद नहीं है, इसलिए कि जलसा में आदमी आता पैसा लेके थोड़ी आता। हाँ, जो लाए हैं दे दिए, जो नहीं लाए हैं मजबूरी है कि पैसा साथ में नहीं है, घर में है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना नाम लिखा दीजिए, कल कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ोन पे है फ़ोन पे कर दीजिए, पेटीएम है पेटीएम कर दीजिए, गूगल पे है गूगल पे कर दीजिए। खाली आप देने के लिए तैयार हो जाइए, यहाँ लेने के लिए तैयार है। मकई है मकई ले दे दीजिए, गेहूँ है गेहूँ दे दीजिए, धान है धान दे दीजिए, दाल है दाल दे दीजिए, जो है खाली आप देने के लिए तैयार होइए। मुर्गा है मुर्गा दे दीजिए, मुर्गी दे दीजिए, बाछी दे दीजिए, गाय दे दीजिए, बकरी दे दीजिए, जो देना है दे दीजिए, यहाँ लेने के लिए तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह। कतो जन होलो हो जो? 5 जन होलो, 5 जन होलो। अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में पैदा किया, आसमान को 3 दिन में किया, 3 3 6। अल्लाह जमीन के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। छठे नंबर पे 10,000 रुपये देने वाला कोई एक अल्लाह का शेर खड़े हो जाओ, मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुश। हे देखिए, आ जाइए यहाँ, जाइए। हे भाई, ये भाई को रास्ता दिया आने का, मोहम्मद साजिद करीम, माशाल्लाह। हे देखिए नौजवान मोहम्मद साजिद करीम साहब, 10,000 रुपये लिख लिए मोहम्मद साजिद करीम साहब। अल्लाह इन दान तो कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में कमाई में दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। कतो जन हो लो? अरे बोलो भाई, कतो जन हो लो? 6। जहन्नमेर कोटा दरवाजा 7। एक आदमी और चाहिए इंशाल्लाह। जहन्नम का 7 दरवाजा है। 7वें नंबर पे कोई सखी है इंशाल्लाह, कोई नौजवान। देखो, पेटीएम है पेटीएम कर दो, गूगल पे है गूगल पे कर दो, फोन पे है फोन पे कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह आज तो बड़ा आसान है। हाँ, बड़ा आसान है मेरे भाई, मेरे नौजवानों। सोचते रहोगे, सोचोगे तो सोचते रह जाओगे। देने वाला देकर बरी हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। शैतान रोकेगा, शैतान रोकेगा कि अभी पैसा नहीं देना। वो शैतान जानता, अगर ये मस्जिद में चाहे पैसा दे दिया, चंदा दे दिया, तो इसका घर जन्नत में बन जाएगा। और शैतान नहीं चाहता कि मुसलमान जन्नत में जाए, नबी का चाहने वाला जन्नत में जाए, आशिक रसूल दीवाना ही मुस्तफ़ा जन्नत में जाए। इसलिए मेरे भाइयों, 7वें नंबर पर 10,000 रुपये देने वाला एक आदमी और कोई है, देखना चाहता हूँ वो कौन खुश नसीब नौजवान है जो अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर, दादा दादी नाना नानी के नाम पर 7वें नंबर पर 10,000 रुपये देने वाला एक सखी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई सखी? है, अरे कोई सखी है इंशाल्लाह। एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह।